आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि आईपीएल फिक्सिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है बीसीसीआई अध्यक्ष के ऊपर। उन्होंने कहा है कि एन श्रीनिवासन को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि इस्तीफे के बगैर निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। आपको बता दें कि आईपीएल फिक्सिंग मामले में ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है। हालांकि एन श्रीनिवासन को लेकर इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से फटकार लगाई जा चुकी थी, लेकिन उस वक्त बीसीसीआई अध्यक्ष का पद एन श्रीनिवासन ने नहीं छोड़ा था। और अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, कड़ी टिप्पणी करते हुए ये कहा है कि एन श्रीनिवासन को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि इस्तीफे के बिना निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। आईपीएल फिक्सिंग मामले में ये पूरी की पूरी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के सामने आई है और अब 27 मार्च को अगली सुनवाई इस मामले की होगी। आपको बता दें कि मैयप्पन जो कि दामाद हैं एन श्रीनिवासन के, उनका नाम आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग से जुड़ा हुआ है और इसी वजह से ये पूरा मामला देश की सर्वोच्च अदालत में जारी है। हालांकि बीसीसीआई की ओर से पहले ही इस पूरे मामले में क्लीन चिट दी जा चुकी थी एन श्रीनिवासन को और उन्होंने पद भी नहीं छोड़ा था। यहां तक कि उनका कद इतना ज्यादा बढ़ गया कि माना ये जा रहा है जून जुलाई 2014 में वो आईसीसी के अध्यक्ष भी बन जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है ये कहते हुए कि निष्पक्ष जांच के लिए एन श्रीनिवासन को अपना पद छोड़ देना चाहिए। सीधे रुख करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, आशीष सिन्हा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या कुछ कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज तीखी प्रतिक्रिया दी है बीसीसीआई से। सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में कई तीखे सवाल पूछे हैं कि अभी तक बीसीसीआई ने इस पूरे मामले में क्या किया। इतना ही नहीं, आखिर कार्रवाई क्या की गई है बीसीसीआई की तरफ से। बीसीसीआई लगातार देख रहा है कि जो फ्रेंचाइजीज हैं वो अपने नियम को तोड़ रहे हैं, वो नियमों से आगे जा रहे हैं, उसके बाद ही बीसीसीआई की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि जब तक श्रीनिवासन यानी बीसीसीआई के प्रमुख अपने पद पर बने रहेंगे तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिनों का समय दिया है, मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी। गुरुवार तक बीसीसीआई को एक ठोस जवाब लेकर सुप्रीम कोर्ट में आना होगा। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट ने साफ संकेत दे दिया है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश पारित कर देगा। लेकिन इसके पहले भी आशीष हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट की ओर से एन श्रीनिवासन को लेकर कड़ी टिप्पणी की गई, लेकिन उसका बहुत ज्यादा असर उनके ऊपर नहीं हुआ। लेकिन इस बार मामला बेहद गंभीर हो जाता है क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत ने ये कहते हुए साफ कर दिया है कि जब तक इस्तीफा नहीं देते हैं एन श्रीनिवासन, मामले की निष्पक्ष जांच संभव ही नहीं है। जाहिर तौर पर जो मुगदल कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की गई थी उसमें साफ कहा गया था कि जो श्रीनिवासन के साथ मैयप्पन है वो बैटिंग में शामिल थे। ऐसे में कैसे ये कहा जा सकता है कि अगर बीसीसीआई प्रमुख श्रीनिवासन रहते हैं तो उनकी देखरेख में ही अगर कोई जांच होती है तो निष्पक्ष जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने तीखी प्रतिक्रिया इसी बात को लेकर दी है कि अगर श्रीनिवासन बीसीसीआई प्रमुख बने रहेंगे तो निष्पक्ष जांच नहीं होगी। 2 दिनों के भीतर बीसीसीआई को कोई ठोस जवाब देकर सुप्रीम कोर्ट में आना होगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश पारित कर सकता है। और इस बार रास्ता बेहद मुश्किल एन श्रीनिवासन के लिए, इस्तीफा दिए बगैर निष्पक्ष जांच संभव नहीं है ये कहा है देश की सर्वोच्च अदालत ने। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आशीष आपका।